देखिए मुझे उसकी मतलब नहीं है, आप जहाँ का सवाल है मैं बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पे बात करें। आप घुमा के आज की बात करते हैं, मैं आज के मुद्दे पे बात करिए। आप तिरंगा इंटरव्यू लेने आएंगे वहाँ बात करेंगे। आप तिरंगा, आप तिरंगा लेके आप अपने इशू लेके आ रहे हैं, आप तिरंगा लेके अगर महबूबा मुफ्ती सुन रहे हो क्या कहना चाहेंगे? पीडीपी ऑफिस को लाल चौक बना दिया गया है। देखिए ये केसरिया है, और अगर अगर आप अमृतसर या किसी गुरुद्वारे में जाए तो ये सरोपे मिलते हैं, पर जिनको लगता है ये आरएसएस या भगवा है तो लानत है उन पर, आपका हरा डाल लूंगा तो मैं क्या। मेरा ये सवाल है जी कि क्या यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए गए? कल आपके कुछ लोगों ने यहाँ पे तिरंगा भी लगाया था, इन्होंने तिरंगा हटा दिया, क्या आप कहना चाहेंगे? इन्होंने जो अगर तिरंगा हटाया तो इनकी बहुत गलती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वो रहते हैं। क्या वो हिंदुस्तान नहीं है, मैं साथी नहीं है, उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तिरंगा हटाना जो है वो बहुत गलत बात है, क्यों? ये तो पाकिस्तान में थोड़े रह रहे हैं। दिक्कत क्या है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को? ये उन दो ही जानते होंगे उनके मैं ऊपर। आप देखिए तिरंगा लेके और भी कई सारे युवा जो है यहाँ पर आए। ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया उन्होंने, हमें ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं है। आप तभी हम आज यहाँ पे रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। बाद में धक्का मुक्की हुई, वो उनके वर्करों के साथ क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सरासर गलत है, ये सरासर अन्याय है। अमनदीप के साथ क्यों गलती, क्यों बदसलूकी की गई, ये गलत है। हम एक सोशल एक्टिविस्ट है, मेरा भी एक एनजीओ है, उनका भी एक एनजीओ है, हम सब सोशल वर्कर्स मिलकर यह झंडा लहराएंगे और देश के लिए एक मिसाल खड़ी करेंगे कि हम जम्मू में अपना झंडा पीडीपी ऑफिस के लहरा सकते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं पीडीपी वाले पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? जी जरूर बोलते हैं। अपना एनसी वाले कहते हैं कि हम चाइना के साथ हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं हम 1200 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, मुफ्ती जी अलग बयान देते हैं, ये सब पाकिस्तान की मिली भाषा बोलते हैं।